हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। दिस इज ओपी गुप्ता, योर मैथ मेंटोर ऑन दिस ब्यूटीफुल चैनल ऑफ योर्स, दैट इज मैथमेटिशिया बाय ओपी गुप्ता। सो आई वेलकम यू ऑल टू अ ब्रांड न्यू सेशन ऑफ केस स्टडी टाइप क्वेश्चंस, इन विच वी आर डूइंग चैप्टर वाइज केस स्टडी क्वेश्चंस। तो आज का केस स्टडी टाइप क्वेश्चन कौन से टॉपिक पे होने वाला है, ऊपर देखिए आ चुका है। तो चलिए जरा मैं आपको लेके चलता हूँ, तो पढ़ते हैं जरा, इसको सॉल्व करते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। A general election of Lok Sabha is a gigantic exercise. About 911 million people were eligible to vote and voter turnout was about this much percent, the highest ever. Let I be the set of all citizens of India who were eligible to exercise their voting right in general election held in 2019. A relation R is defined on I as follow. ध्यान रखना, R is defined on set I, where set I means the set of all citizens of India who were eligible to exercise their voting right. जो eligible थे voting करने के, उनका set जब हमने बनाया तो set को I बोला, उस set के ऊपर हमने relation define किया। यहाँ पर relation का आपको value दिख रहा होगा। relation is given as V1, V2 such that V1 and V2 both belong to the set I and both use their voting right in the general election 2019. यानी relation के अंदर जो भी ordered pair आएगा, उस ordered pair के दोनों ही component जो होंगे वो set I से तो belong करेंगे ही, लेकिन वो दोनों components basically citizens of India को represent कर रहे हैं and they are going to use their voting right. लेकिन set I किन लोगों का set है बेटा? उन लोगों का set है जिनको वोटिंग करने का राइट है, ठीक है। सेट आई उन लोगों का सेट नहीं है जो वोट करते हैं। आर यू गेटिंग माई स्टेटमेंट हियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है क्योंकि यहां पर एक क्वेश्चन आएगा जिसका आंसर करने में ये हेल्प करेगा। ध्यान रखना कि आई सेट में वो लोग हैं जिनको वोटिंग करने का राइट है, लेकिन रिलेशन में, रिलेशन आर में उन लोगों का आपस में रिलेशन होगा V1, V2 जो वोट करके आएंगे। दोनों बातों में डिफरेंस है, ये ध्यान रखना, ठीक है। जिनको वोटिंग का राइट है वो तो वोट करने जा सकते हैं, क्लियर सी बात है। तो यहां आर में V1, V2 में V1 और V2 का मतलब क्या है, ध्यान रखना कि दे हैव गोन टू वोट एक्चुअली, ठीक है। यहां पर हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है इसको यूज करते हुए कुछ क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं जरा। फर्स्ट क्वेश्चन, टू फ्रेंड्स एक्स एंड वाई दे बिलोंग टू सेट आई, दैट मीन्स एक्स एंड वाई बोथ हैव वोटिंग राइट। अभी तक ये कंफर्म नहीं है कि ये वोट देने जाएंगे कि नहीं जाएंगे। अगर एक्स कोमा वाई ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में होगा तो ये दोनों वोट देने भी गए हैं। आर यू गेटिंग मी? अभी जितना मैंने स्टेटमेंट रीड किया ना, टू फ्रेंड्स एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू आई, इसका मतलब है एक्स एंड वाई हैव वोटिंग राइट। आगे पढ़ते हैं, एक्स एंड वाई बोथ एक्सरसाइज देयर वोटिंग राइट इन द जनरल इलेक्शन 2019, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। जैसा कि मैं कह रहा था कि अगर एक्स और वाई दोनों अपना वोटिंग राइट एक्सरसाइज कर लेंगे तो फिर इनका जो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा ये रिलेशन में होगा। एम आई क्लियर? एक्स एंड वाई ये सेट आई में है, लेकिन इतना लिखने से हमें बस ये पता चला कि दोनों के पास वोटिंग राइट है। लेकिन जब मैंने ये लिखा तो मुझे पता चल गया कि दोनों के पास वोटिंग राइट तो है, लेकिन वो वोट देकर भी आए हैं। दे हैव कास्टेड देयर वोट। एम आई क्लियर टू ऑल? विच ऑप्शन इज करेक्ट? ये सीबीएसई का क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है और एक्चुअली यहां पर थोड़ा सा आप काफी स्ट्रेंज चीज देखने वाले हैं। चलते हैं सेकेंड पार्ट में, यहां पर देखना क्या होगा। मिस्टर एक्स एंड हिज वाइफ डब्ल्यू बोथ एक्सरसाइज देयर वोटिंग राइट। अब देखो, दोनों वोट करके आए हैं, मतलब इन दोनों से जो ऑर्डर्ड पेयर बन सकता है x, w या w, x वो रिलेशन में होगा या नहीं होगा? आई एम आस्किंग टू यू। मैं क्वेश्चन भी समझा रहा हूं तुम्हें, सॉल्यूशन तो बाद में डिस्कशन में आ रहा है। तो अब इसने पूछा है कि विच ऑफ द, क्योंकि देखो दोनों ने अपना वोटिंग राइट एक्सरसाइज कर लिया है तो फिर इनका जो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा वो रिलेशन में पक्का होगा। एंड ऑफकोर्स दे हैव टू बिलोंग टू द सेट आई, वो तो क्लियर है, ठीक है ना। जब वोट देने जाएंगे तो वोटिंग की एलिजिबिलिटी भी उनके पास होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कौन सा ट्रू है इसमें? बोथ एक्स कोमा डब्ल्यू एंड डब्ल्यू कोमा एक्स बिलोंग टू आर। मुझे यही ठीक लग रहा है क्योंकि अगर मैं यहां पर देखता हूं ऑप्शन बी में, तो यहां पर देखो एक्स कोमा डब्ल्यू का मतलब एक्स एंड डब्ल्यू दोनों ने वोट किया,
तभी तो रिलेशन में है, लेकिन डब्ल्यू कोमा एक्स डज नॉट बिलोंग टू आर, इसका मतलब दोनों में से कोई एक या दोनों ही वोट देने नहीं गए। लेकिन भाई ये तो ऊपर जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है सबसे इनिशियली क्वेश्चन में, ये स्टेटमेंट इसको वॉयलेट कर रहा है, इसलिए ऑप्शन बी तो सही नहीं हो सकता। सिमिलरली ऑप्शन सी को हम रूल आउट कर देंगे यहां पर डज नॉट बिलोंग की वजह से, एंड सिमिलरली यहां पर भी, तो ऑप्शन डी विल ऑल्सो बी रूल्ड आउट, तो ऑप्शन ए ही सही होगा। अभी थर्ड पार्ट को देखते हैं, अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन। वी हैव थ्री ब्रदर्स B1, B2 एंड B3, दे एक्सरसाइज देयर वोटिंग राइट इन द जनरल इलेक्शन 2019, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अब सुनना ध्यान से, अगर ये तीनों वोट करके आए हैं तो इन तीनों के कॉम्बिनेशन से जो भी ऑर्डर्ड पेयर बनेगा वो रिलेशन में होगा। B1, B2 बोल दो ऑर्डर्ड पेयर, या B2, B3 बोल दो, या B3, B1 बोल दो, जो भी पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे वो रिलेशन में प्रेजेंट होगा। एम आई क्लियर? यानी ये देखो, ऑप्शन बी में डज नॉट बिलोंग टू आ गया, ऑप्शन सी में डज नॉट बिलोंग टू आ गया, ऑप्शन डी में भी डज नॉट बिलोंग टू आ गया, इनफैक्ट यहां पर भी डज नॉट बिलोंग टू, यहां पर भी डज नॉट बिलोंग टू। और जैसे कि मैंने कहा कि जब ये तीनों ही वोटिंग राइट्स अपना वोटिंग राइट एक्सरसाइज करके आए हैं तो जो भी पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर बनेगा वो रिलेशन में पक्का होगा, तो ऑप्शन ए में ये पॉसिबिलिटी है, यानी ऑप्शन ए विल बी करेक्ट फॉर दिस ऑल्सो। एग्री? आगे चलें। ओके, अब फोर्थ पार्ट में देखते हैं। मिस्टर घनश्याम एक्सरसाइज्ड हिज वोटिंग राइट इन द जनरल इलेक्शन, ही इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। अब सुनना ध्यान से, ये जो मिस्टर घनश्याम है, तो ये जो मिस्टर घनश्याम है यहां पर, तो ये आपके रिलेशन में प्रेजेंट होगा विद होम, मतलब किसके साथ प्रेजेंट होगा, क्योंकि इसने अपना वोटिंग राइट एक्सरसाइज कर लिया है। तो घनश्याम कोमा, अब यहां पर क्या आएगा, यहां पर जो भी आएगा एक्चुअली उसने भी अपना वोटिंग राइट एक्सरसाइज किया होगा। एम आई क्लियर? तो अभी यहां पढ़ते हैं ऑप्शंस को। ऑल दोज एलिजिबल वोटर्स हु कास्ट देयर वोट्स, देखो अगर वोटिंग का एलिजिबिलिटी है तो आप जाके वोट करके आ सकते हैं। नाउ दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट कि आपने वोट किया है, तो जो लोग वोट करेंगे वो घनश्याम के साथ एक ऑर्डर्ड पेयर बनाकर रिलेशन में हो सकते हैं। एम आई क्लियर? ऑप्शन ए सीम्स टू बी करेक्ट टू मी, ऑल्दो मैं बाकी पार्ट्स को भी एक्सप्लेन करूंगा, बाकी ऑप्शंस को भी। बाकी ऑप्शंस में बोल रहा है कि फैमिली मेंबर्स ऑफ मिस्टर घनश्याम, अब हो सकता है घनश्याम की फैमिली में कुछ ऐसे भी लोग हों, छोटे बच्चे हों, जिनको वोटिंग राइट ऑफकोर्स नहीं होगा, तो वो घनश्याम कोमा यहाँ पर कोई भी एक उनके घर का एक फैमिली मेंबर हो, छोटा बच्चा, वो यहाँ पर प्रेजेंट नहीं हो सकता एज द सेकंड कंपोनेंट ऑफ दिस ऑर्डर्ड पेयर, एंड देन फाइनली दिस ऑर्डर्ड पेयर मे नॉट बी बिलोंगिंग टू द रिलेशन आर, तो देयरफॉर ऑप्शन बी सही नहीं होगा। एम आई क्लियर? ये भी इसी लॉजिक से हम रूल आउट कर देंगे, बिकॉज इन इंडिया देयर आर मेनी पीपल, इनफैक्ट जो 18 ईयर से जिनका एज बिलो होता है वो वोट नहीं कर सकते, 18 ईयर से कम एज वाले लोग वोटिंग नहीं कर सकते, ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया में वो भी इंक्लूड होते हैं, तो देयरफॉर ये भी बात हम यहाँ पर रूल आउट कर देंगे ऑप्शन सी को भी। एंड एलिजिबल वोटर्स ऑफ इंडिया, जैसे कि मैंने बिगिनिंग में कहा, अगर आपको वोटिंग करने का राइट है, इट इज कम्प्लीटली डिफरेंट कि आपने वोट जाके किया है ना, मुझे वोटिंग का राइट है, मैं वोट करने ही नहीं गया, तो फिर यहाँ पर घनश्याम कोमा सेकेंड कंपोनेंट मेरा नाम नहीं आ सकता वहां पे, क्योंकि मैं वोट करने नहीं गया, इवन इफ आई हैव द वोटिंग राइट। आर यू क्लियर अबाउट द एक्सप्लेनेशन ऑफ द डी पार्ट, डी ऑप्शन, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब मैं ये कह रहा था कि इस क्वेश्चन में एक सरप्राइजिंग एलिमेंट है, हर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए आता जाएगा। जरा फिफ्थ पार्ट को देखते हैं यहाँ पर क्या होगा, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पर सीबीएसई का अगर आप आंसर की देखेंगे जो उनके क्वेश्चन बैंक में है, उन्होंने ऑप्शन सी को मार्क किया हुआ है, और इसलिए मैंने आपको बिगिनिंग में ही और हर क्वेश्चन के साथ साथ ये बताया है कि रिलेशन में कौन से लोग होंगे, रिलेशन में कौन से लोग एक दूसरे से रिलेट होंगे, और सेट आई में कौन से लोग थे, सेट आई में वो लोग थे जो कि वोटिंग राइट रखते हैं, वोट करने का राइट रखते हैं, जबकि उन्हीं में से कुछ लोगों को उठाकर अगर हम देखें कि आप वोट करके आए थे, हाँ तो चलो अब तुम्हारा हम ऑर्डर्ड पेयर बना के रिलेशन में प्रेजेंट कर देते हैं। एम आई क्लियर? अगेन मैंने दोबारा चीजें आपको समझा दी हैं सारी बातें, आई का मतलब और रिलेशन का मतलब क्लियर है। तो यहां पर इसने आपसे पूछा क्या है, द अबो डिफाइंड रिलेशन आर इज, जो भी रिलेशन हमारे पास डिफाइंड था, आर का मतलब था V1, V2, और यहां पर ये V1 और V2 जो भी थे ना, ये वोट करके आए थे, ठीक है, लेकिन जो R डिफाइंड था सेट
आई के ऊपर, सेट आई में वो सभी लोग हैं जो वोटिंग कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है वोटिंग कर सकते हैं लेकिन वोटिंग करने नहीं गए, यानी वोटिंग राइट तो है बट वोट करने नहीं गए। तो मतलब सेट आई में मान के चलिए एक भाई साहब है जिनका नाम है रमेश, इनको वोटिंग राइट है, ऐसे और भी लोग होंगे सिटीजन्स ऑफ इंडिया जिनको वोटिंग राइट है, हमने सेट आई में ऐसे लोग रख दिए सभी लोग जिनको वोटिंग राइट है, लेकिन एक रमेश भाई साहब है जिन्होंने वोटिंग नहीं किया, तो क्या हम रमेश कोमा रमेश ऐसा कुछ ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में रख सकते हैं? रिलेशन में क्या हम ऐसा कोई ऑर्डर्ड पेयर रख सकते हैं कि रमेश कोमा रमेश, जबकि रमेश इज प्रेजेंट इन सेट आई, इज इट पॉसिबल यस और नो? क्या हम आर के अंदर रमेश कोमा रमेश रख सकते हैं? रमेश कोमा रमेश रिलेशन में प्रेजेंट नहीं होगा तो क्या रिलेशन रिफ्लेक्सिव बन सकता है किसी भी लॉजिक से? नो। तो यहां पर ऑप्शन ए में यही लिखा हुआ है, सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव होगा बट नॉट रिफ्लेक्सिव, यही ठीक है। इक्विवेलेंस ना होने का रीजन यही है कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता। आर यू गेटिंग? क्योंकि यूनिवर्सल रिलेशन में आर हैज टू बी इक्वल टू आई क्रॉस आई, बात समझ आ रही है? लेकिन आर का मतलब क्या था, डेफिनेशन याद कर लो, उसके हिसाब से अगेन ऐसी ही प्रॉब्लम आएगी जो मैंने रमेश के लिए बताया। अकॉर्डिंगली कैन वी टॉक अबाउट ऑप्शन डी, किस तरीके से डिस्कस करें, रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। देखो अगर मैं ये कहूं कि भाई मान लो एक्स एंड वाई ये दोनों वोट करके आए हैं तभी तो रिलेशन में ये ऑर्डर्ड पेयर प्रेजेंट होगा, सो एट द सेम टाइम वी कैन से कि ये भी आपके रिलेशन में प्रेजेंट होगा, ये सिमेट्रिक तो पक्का होगा। नो, नॉट सिमेट्रिक यहां पर जो इसने बोला है ये भी रूल आउट हो गया, इस वजह से ऑप्शन ए ही सही रहा। तो जैसे कि मैंने बताया कि सीबीएसई के आंसर की में अगर हम देखेंगे तो उन्होंने ऑप्शन सी को मार्क किया हुआ है। आई होप आई वॉज क्लियर इन एक्सप्लेनिंग कि ये रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं है, दैट्स वाई ऑप्शन ए विल बी करेक्ट, एंड सिमेट्रिक क्यों है, अकॉर्डिंगली ट्रांजिटिव क्यों है। ट्रांजिटिव वाला भी समझाऊं या इज इट क्लियर टू ऑल? फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर मैं कहूं कि एक्स कोमा वाई एंड वाई कोमा जेड दे बिलोंग टू रिलेशन आर, दैट मीन्स एक्स एंड वाई दोनों ने वोट किया, Y एंड Z दोनों ने वोट किया, इसका मतलब X, Z भी रिलेशन में होगा क्योंकि X और Z ने भी तो वोट किया, एंड दैट मींस रिलेशन R क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव भी हो जाएगा, यस और नो? तो सिमेट्रिक कैसे होगा बता दिया मैंने, ट्रांजिटिव कैसे होगा बता दिया मैंने, बट ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं होगा, रमेश को याद रखना, ठीक है? रमेश वोट करने नहीं जाता, ओके? डोंट बी अ रमेश इन फ्यूचर व्हेन यू हैव अ वोटिंग राइट, ठीक है बच्चों? जैसे कि मैं आपको एडवाइस कर रहा था कि आपको सैंपल पेपर की भी अच्छी प्रैक्टिस करनी है, इससे आप लोग टाइम मैनेजमेंट करना सीख पाएंगे और आपको ये पता चलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, जो भी आपके लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर सैंपल पेपर मार्केट में बुक अवेलेबल है उनको आप ले सकते हैं, मेरे से भी ले सकते हैं जो बुक मैंने लिखी है।